किसी भी राज्य के विकास में सड़क की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, अब चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका। लेकिन राजधानी से सटे बुढ़मू प्रखंड को विकास से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। रांची से 35 किलोमीटर दूर बुढ़मू प्रखंड को मक्का, सारले और उमेंडांड पंचायत से जोड़ने वाली सड़क की स्थिति यह है कि गांव में कोई बीमार पड़ जाए और एम्बुलेंस का आना भी नामुमकिन जैसा लगता है। ग्रामीण 2016 से सड़क बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी है। हम लोग यहाँ जैसे 2015 से हम लोग इसको आवेदन भी दे रहे हैं विधायक सबको कि ये हमारे जो रोड हैं ये जर्जर हो चुके हैं, इसको बनाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज बनेगा, कल बनेगा बोलते वो ऐसे टालते रह गए हैं, अभी तक नहीं बना है। और ये रोड के चलते यहाँ ऑटो नहीं चलती है, तो बहुत सारे बूढ़ा जैसे समस्या है कि इसे पेंशन वाला बहुत सारे बैंक जाते हैं, उसके लिए भी दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है। सड़क नहीं बनने के कारण बहुत सारा परेशानी हो रहा, आना जाना बड़ बाजार, बहुत सा गरीब लोग के लिए सब्जी उब्जी पैदा करते हैं वो सही से नहीं बेच पाते हैं, बाजार का रेट नहीं मिलता है उनको, रोड में बैठ के बेचते हैं, ये सब परेशानी है, बहुत सारा परेशानी है। जब जब चुनाव होता है आते हैं बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा, फिर चुनाव खत्म होने के बाद में फिर जैसे तैसे हो जाता है। सड़क किसी भी राज्य सरकार के विकास का आईना होता है, लेकिन रांची से सटे बुढ़मू प्रखंड का ये मक्का पंचायत जाने वाली सड़क सरकार के नजरअंदाज के कारण एक सवाल के घेरे में आ गया है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।